Good morning students, welcome once again in Eklavya International online classes. In the previous video lecture we have done up to naming of the binary molecular compounds. I hope आपने बना के देखे होंगे उन tables को, आपने learn कर लिया होगा और आपको कोई problem नहीं आ रही होगी. फिर भी अगर आपको कोई problem आ रही है तो आप मुझे अपनी queries भेज सकते हैं. आज का जो अपना topic है वो है molecular mass. बनने पिछले वीडियो लेक्चर्स में भी देखा है कि किस तरीके से अपन एटॉमिक मास को कंसीडर करते हैं. किसी एलिमेंट के मास को कंसीडर करना बहुत ज़्यादा टिपिकल होता है. उसका रीज़न आपको पता ही है कि जो एटम होते हैं वो बहुत ज़्यादा छोटे होते हैं, इतने ज़्यादा छोटे होते हैं कि नेक्ड आइज़ के थ्रू अपन उनको देख ही नहीं पाते, तो इसलिए उनका मास निकालना भी थोड़ा प्रॉब्लमेटिक होता है या अपन कंसीडर नहीं कर पाते. तो अपन एवरेज एटॉमिक मास उनका कंसीडर करते हैं और वो भी किसी स्टैंडर्ड एलिमेंट के रिगार्डिंग अपन उसको लेते हैं, रेशियो के रिगार्डिंग, जिसमें अपन ने थ्री स्टेप फॉलो करी थी. फर्स्ट के अंदर सबसे पहला जो स्टैंडर्ड यूज़ किया था वो हाइड्रोजन को यूज़ किया था फॉर द एटॉमिक एवरेज एटॉमिक मास डिटरमिनेशन के लिए. उसके बाद अपन ने ऑक्सीजन को यूज़ किया था, लेकिन वो बहुत ज़्यादा रिएक्टिव थी और हर किसी के साथ रिएक्ट कर लेती थी, इसलिए, और अबंडेंस भी उसका ज़्यादा था एटमॉस्फेयर में, इसलिए ऑक्सीजन को एज अ स्टैंडर्ड एलिमेंट यूज़ किया गया था. लेकिन उसके कुछ ड्रॉबैक्स आए, उसकी वजह से उसे फिर नेगलेक्ट कर दिया गया बिकॉज इट इज़ फाउंडिंग इन द एटमॉस्फेयर एज अ आइसोटॉप मैनर. तो इस वजह से अपने को पता नहीं चल पाता कि कौन सी ऑक्सीजन जो है वो 16 है और कौन सी 18 है, जिसकी वजह से ऑक्सीजन को स्टैंडर्ड एलिमेंट की फॉर्म से हटा दिया गया. इसके बाद लास्ट जो था, जो अभी भी अपन यूज़ करते हैं, दैट इज़ कार्बन रेशियो. ठीक है, कार्बन 12 आइसोटोप को अपन एज अ स्टैंडर्ड एलिमेंट यूज़ करते हैं एवरेज एटॉमिक मास निकालने के लिए. तो कार्बन 12 को यूज़ करके अपन किसी भी एलिमेंट का, किसी भी एटम का एटॉमिक मास, एवरेज एटॉमिक मास कंसीडर कर पाते हैं. एवरेज एटॉमिक मास क्यों बोल रही हूँ मैं, क्योंकि कुछ आइसोटॉप्स भी होते हैं जिनके लिए अपने को एवरेज एटॉमिक मास यूज़ करना होता है. एटॉमिक मास जिसका सिंपल एक ही एलिमेंट पाया जा रहा है, एवरेज एटॉमिक मास जिनके एक से ज़्यादा एलिमेंट्स इन द डिफर आइसोटॉपिक मैनर के अंदर पाए जाते हैं, उनके लिए एवरेज एटॉमिक मास निकाला जाता है. ठीक है, तो ऐसे एटॉमिक मास को अपन ने पहले से ही कंसीडर कर रखा है. नाउ वी आर स्टार्टिंग द मॉलिक्यूलर मास. क्या होता है कि एलिमेंट्स जो होते हैं जब स्टेबल नहीं होते हैं तो किसी दूसरे अनदर एलिमेंट के साथ क्या करते हैं, कंबाइन हो जाते हैं और मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन करते हैं. तो मॉलिक्यूल जब बन जाता है तो उस मॉलिक्यूल का मॉलिक्यूलर मास कैसे निकाला जाए, कितना उसका मास है, वो किस तरीके से कंसीडर किया जाता है, उसको कहा जाता है मॉलिक्यूलर मास. तो मॉलिक्यूलर मास बेसिकली होता क्या है, मॉलिक्यूलर मास इज़ द सम ऑफ द एटॉमिक मासेस ऑफ द डिफरेंट एलिमेंट्स व्हिच इज़ फॉर्मिंग द मॉलिक्यूल. यानी जिस मॉलिक्यूल की अपन बात कर रहे हैं, जिसके मॉलिक्यूलर मास को डिक्टेट करने की अपन बात कर रहे हैं, बेसिकली वो किन एलिमेंट्स से मिलकर बना हुआ है, कितने एलिमेंट्स हैं जो उसको मिलके बनाने की फॉर्मेशन के लिए नीडेड है, या फिर कितने एलिमेंट्स हैं जो उसको फॉर्म कर रहे हैं. तो उन एलिमेंट्स का जो मास है, अगर उन एलिमेंट्स के मासेस को ऐड कर दिया जाए, सम कर दिया जाए उन एलिमेंट के मासेस को, तो अपने किसका मास निकल जाएगा, उस मॉलिक्यूल का मास निकल जाएगा, उस कंपाउंड का मास निकल जाएगा जो अपन कंसीडर कर रहे हैं. ठीक है, तो मॉलिक्यूलर मास इज़ द सम ऑफ द एटॉमिक मासेस ऑफ द एलिमेंट विच इज़ फॉर्मिंग द मॉलिक्यूल या विच इज़ फॉर्मिंग द कंपाउंड. जैसे एग्जांपल अगर अपन देखें, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड ही ले लें, अगर कंपाउंड मॉलिक्यूलर कंपाउंड की बात करें, तो एग्जांपल कार्बन डाइऑक्साइड का अपने को मास निकालना है. ठीक है, तो कैसे मास निकालेंगे, आपको पता है कि यहाँ पर दो एलिमेंट हैं जो कि आपस में रिएक्ट कर रहे हैं, एक है कार्बन, एक है ऑक्सीजन. इसमें भी ऑक्सीजन जो है वो एक से ज़्यादा बार रिपीट हो रहा है, यानी इसकी टू यूनिट्स जो है ऑक्सीजन की वो कार्बन के साथ कंबाइन हो रही है. तो जब इसका एटॉमिक मास निकाला जाएगा, यानी मॉलिक्यूलर मास जब आप निकालेंगे इसका, तो मॉलिक्यूलर मास किस तरीके से निकालेंगे, कार्बन के
कितने एलिमेंट्स हैं, ठीक है। तो यहाँ पर नंबर ऑफ कार्बन एलिमेंट इनटू एटॉमिक मास ऑफ कार्बन, ठीक है, प्लस अब सम किसका होगा, दूसरे एलिमेंट का जो उसके साथ कंबाइन हो रहा है। ज़रूरी नहीं है कि ये बाइनरी हो, दो से ज़्यादा एलिमेंट्स भी आपस में क्या कर सकते हैं, कंबाइन होकर मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन कर सकते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे नंबर ऑफ, कौन सा है दूसरा एलिमेंट, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन एलिमेंट इनटू एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। यानी पहले क्या किया अपन ने, नंबर ले लिए कार्बन के, उसके एटॉमिक मास से उसको मल्टीप्लाई कर दिया, फिर नंबर ले लिए ऑक्सीजन के, फिर उसके एटॉमिक मास से उसको मल्टीप्लाई कर दिया, और उसके बाद उन दोनों को ऐड कर दिया, ठीक है। तो मॉलिक्यूलर मास कैसे निकालेंगे, मॉलिक्यूलर मास विल बी, कितना कार्बन है, 1। एटॉमिक मास कितना होता है, स्टैंडर्ड जो अपन सेट करते हैं कार्बन का, वो स्टेबल आइसोटॉप को स्टैंडर्ड एज अ कार्बन लेते हैं, तो 12 आइसोटॉप अपन लेते हैं, तो एटॉमिक मास भी कितना कंसीडर करते हैं इसका, 12। उसके बाद क्या करना है, दूसरे एलिमेंट के एटॉमिक मास को ऐड करना है, प्लस करना है। तो ऑक्सीजन कितने एलिमेंट यहाँ पर है, 2 एलिमेंट्स हैं, मल्टीप्लाई कितने से करेंगे, एटॉमिक मास से, तो ऑक्सीजन का एटॉमिक मास कितना होता है, 16, ठीक है। तो इनका मॉलिक्यूलर मास हो जाएगा 12 प्लस 32, तो मॉलिक्यूलर मास ऑफ CO2 विल बी 44 μ। मास की यूनिट तो वही रहने वाली है, एटॉमिक मास यूनिट, तो मॉलिक्यूलर मास यूनिट, मॉलिक्यूलर मास यूनिट के लिए भी क्या यूज़ किया जाएगा, म्यू ही यूज़ किया जाएगा, ठीक है। देखिए कि आपको बहुत अच्छे से आना चाहिए, क्योंकि ये अगर नहीं आएगा तो जो नेक्स्ट टॉपिक है आपका मोल कंसेप्ट, उसमें आपका प्रॉब्लम हो जाएगी, क्योंकि मोल कंसेप्ट में अगर मॉलिक्यूलर मास ही नहीं आता है तो फिर आपको ना तो नंबर निकालना आएगा, ना एटॉमिक नंबर निकालना आएगा, और ना ही मोल निकालना आएगा, तो आपको ये आना ज़रूरी है। तो मोल कंसेप्ट जो आपके चैप्टर का लास्ट टॉपिक है, उसको क्लियर करने के लिए आपको पहले ये क्लियर होना चाहिए। देखो नेक्स्ट अगर एग्जांपल लें CO2 के अलावा, सिंपल एग्जांपल लेते हैं पहले, फिर बड़े एग्जांपल लेंगे, NH3 अमोनिया, इसका अगर मॉलिक्यूलर मास अगर आप निकालेंगे कैसे निकालेंगे, 2 ही एलिमेंट है वो ही फॉर्म कर रहे हैं, कौन कौन सा एलिमेंट है, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन। तो सबसे पहले आप क्या लिखेंगे, नंबर ऑफ नाइट्रोजन इनटू एटॉमिक मास ऑफ नाइट्रोजन, प्लस उधर लिखने की बजाय मैं नीचे लिख रहा हूँ, नंबर ऑफ हाइड्रोजन मल्टीप्लाई बाय एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है। कैसे निकालेंगे,
मॉलिक्यूलर मास इक्वल्स टू, नाइट्रोजन का तो सिर्फ वन ही है, एटॉमिक मास नाइट्रोजन का कितना होता है 14, प्लस हाइड्रोजन के कितने नंबर्स हैं 3, मल्टीप्लाइड बाय एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन, कितना होता है एटॉमिक मास हाइड्रोजन का 1, तो टोटल कितना हो जाएगा मॉलिक्यूलर मास विल बी 14 प्लस 3। अब ले लीजिए मॉलिक्यूलर मास ऑफ NH3 कितना हो जाएगा 17 म्यू, ठीक है, कितना हो जाएगा 17 म्यू, ठीक है। नेक्स्ट लेते हैं वाटर H2O, कितना होगा 18, कैसे होगा वो देखिए, H2O कैसे निकालेंगे, नंबर ऑफ हाइड्रोजन मल्टीप्लाइड बाय एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन प्लस नंबर ऑफ ऑक्सीजन इनटू एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। मॉलिक्यूलर मास विल बी, हाइड्रोजन के कितने हैं 2, एटॉमिक मास कितना है 1, प्लस ऑक्सीजन के कितने नंबर हैं 1, एटॉमिक मास कितना है 60। तो मॉलिक्यूलर मास विल बी 2 प्लस 16, मॉलिक्यूलर मास कितना हो गया 18, किसका है ऑफ H2 म्यू, ठीक है। इस तरीके से आप न्यूमेरिकल्स मॉलिक्यूलर मास के निकाल सकते हैं। ये थे छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स जिनके मॉलिक्यूलर मासेस आपने निकाले, इससे बड़े भी हो सकते हैं लेकिन फॉर्मेट तो वही रहेगा। तो बड़ा मॉलिक्यूल देखकर डरना नहीं है कि ये तो इतना बड़ा आ गया इसका मॉलिक्यूलर मास कैसा निकलेगा। जैसे देखिए अपन एक एग्जांपल करके देखते हैं, ग्लूकोज जानते हो ना, ग्लूकोज क्या फॉर्मूला होता है ग्लूकोज का, C6H12O6। उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला अगर आपको निकालना है तो आप कैसे निकालेंगे, इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला 3 एलिमेंट्स हो गए किसमें, ग्लूकोज में कौन कौन से हो गए, कार्बन हो गया, हाइड्रोजन हो गया और ऑक्सीजन हो गया। तो 3 एलिमेंट्स के कितने कितने नंबर्स आप ले रहे हैं उनको मल्टीप्लाई कर दीजिए, किसके साथ, उनके एटॉमिक मास के साथ, और उनके एटॉमिक मास के साथ जब आप मल्टीप्लाई करेंगे और ऐड करेंगे तो आपके मॉलिक्यूलर मास को आप कंसीडर कर लेंगे। देखिए एग्जांपल ग्लूकोज का, C6H12O6 इज द फॉर्मूला फॉर द ग्लूकोज, ठीक है। मॉलिक्यूलर मास कैसे निकालेंगे, क्या करना है, नंबर ऑफ कार्बन
multiply by atomic mass of carbon plus, second क्या है, hydrogen. तो number of hydrogen into atomic mass of hydrogen plus third element क्या है, oxygen. तो क्या लिखोगे, number of oxygen multiply atomic mass of oxygen. ठीक है. Now molecular mass equals to 6 × 12 plus, क्योंकि 6 क्या है, कार्बन. एटॉमिक मास क्या है कार्बन का, 12. हाइड्रोजन कितने हैं, 12. इंटू एटॉमिक मास कितना होता है हाइड्रोजन का, 1. प्लस ऑक्सीजन कितने हैं, 6. तो 6 × एटॉमिक मास कितना होता है ऑक्सीजन का, 16. तो निकालिए मॉलिक्यूलर मास. मॉलिक्यूलर मास विल बी 72 प्लस 12 प्लस 96. ठीक है, ये इरेज कर रही हूँ मैं और नीचे वाला ऊपर लिख रही हूँ. देखिए क्या आ गया, 12 × 6 = 72. हाइड्रोजन का कितना आ गया, 12 ही आ गया, क्योंकि 12 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे 12 ही आएगा, 6 को मल्टीप्लाई करोगे 16 से तो 96 आ जाएगा. तो मॉलिक्यूलर मास ऑफ ग्लूकोज विल बी क्या होगा, 9 × 8 = 10, 10 × 1 = 11, 11 × 7 = 18. कितना आ गया ग्लूकोज का एटॉमिक मास, मॉलिक्यूलर मास, सॉरी एटॉमिक मास नहीं, मॉलिक्यूलर मास कितना हो गया, 180 μ. ठीक है, तो चाहे कितना ही बड़ा मॉलिक्यूल आपको दे दिया जाए, बस अगर आपने ये राइटली लिख लिया है, प्लस की जगह मल्टीप्लाई ना किया हो या मल्टीप्लाई की जगह प्लस ना लिख दिया हो, बस ये ध्यान रखिएगा कि मल्टीप्लाई किसके बीच आना है, नंबर ऑफ एलिमेंट और उसके एटॉमिक मास के बीच. बाकी जितने भी एलिमेंट्स हैं उनके बीच में क्या आएगा, सम का सिंबल आएगा, यानी पॉजिटिव या प्लस. ठीक है, तो आप क्या लिखेंगे कि जितना भी बड़ा एलिमेंट हो, पहले एलिमेंट्स देखिए कितने, कितना बड़ा मॉलिक्यूल है, उसके कितने एलिमेंट्स हैं जो कि आपस में कंबाइन हो रहे हैं, उन एलिमेंट्स को काउंट कर लीजिए, उतने ही प्लस के सिंबल लगा लीजिए और उसके बीच फिर मल्टीप्लाई कर दीजिए एलिमेंट नंबर को उसके एटॉमिक मास के साथ. एक लास्ट एग्जांपल के बाद अपन लेते हैं HNO3. ये मैं क्यों बता रही हूँ, इतने सारे एग्जांपल आपको क्यों कंसिडर करवा रही हूँ, क्योंकि आपको बहुत अच्छे से आपको याद हो जाना चाहिए कि किस तरीके से मॉलिक्यूलर मास को कंसिडर किया जाता है. क्योंकि मॉलिक्यूलर मास कंसिडर किया कर लिया तो मोल कंसेप्ट में कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली. और इस चैप्टर का जो मेजर पार्ट है वो मोल कंसेप्ट है, उसके ऊपर डिपेंडेबल बहुत सारे क्वेश्चन आपको मिलेंगे. ठीक है, HNO3 देखिए कैसे निकालेंगे मॉलिक्यूलर मास.
नंबर ऑफ एच, हाइड्रोजन पूरा नहीं लिख रही हूँ मैं यहाँ पे, मल्टीप्लाइड बाय एटॉमिक मास ऑफ एच प्लस नंबर ऑफ एन इंटू एटॉमिक मास ऑफ एन प्लस थर्ड क्या है ऑक्सीजन, तो क्या लिखेंगे नंबर ऑफ ओ इंटू एटॉमिक मास ऑफ ओ। ठीक है अब लिख लीजिए मॉलिक्यूलर मास विल बी एच कितना है वन मल्टीप्लाइड बाय वन क्योंकि एटॉमिक मास भी वन ही होता है प्लस एन कितना है वन मल्टीप्लाइड बाय फोर्टीन क्योंकि मास कितना होता है फोर्टीन। उसके बाद एडिशन ऑक्सीजन कितना है थ्री मल्टीप्लाइड बाय सिक्सटीन क्योंकि एटॉमिक मास ओ का कितना होता है सिक्सटीन लेकिन यहाँ पर ओ कितनी बार है रिपीटेड थ्री टाइम्स तो मॉलिक्यूलर मास विल बी वन प्लस फोर्टीन प्लस सिक्सटीन थ्री जा 48 तो मॉलिक्यूलर मास हो जाएगा 15 प्लस 48 मॉलिक्यूलर मास विल बी 548 63 में ये आपका मॉलिक्यूलर मास निकल गया किसका HNO3 का। ठीक है इसके बाद एक चीज और कंसिडर करनी है अपने को वो है आयनिक जो कंपाउंड्स होते हैं मॉलिक्यूलर का तो मॉलिक्यूलर मास निकाल लिया अपन ने लेकिन आयनिक कंपाउंड्स का किस तरीके से मास निकलेगा तो आप ध्यान रखिएगा कि निकलेगा इसी तरीके से लेकिन उसमें जो टर्म यूज़ करेंगे अपन मॉलिक्यूलर मास यूज़ नहीं करेंगे उसमें अपन लिखेंगे टर्म को फॉर्मूला यूनिट मास। क्या यूज़ करेंगे आयनिक कंपाउंड्स के लिए फॉर्मूला यूनिट मास। देखिए फॉर्मूला यूनिट मास क्यों बोल रहे हैं इसको फॉर्मूला यूनिट मास क्यों बोला जा रहा है इसको क्या रीज़न है इसके पीछे। आपको मैंने जब आयनिक कंपाउंड्स अपन बना रहे थे तब अपन ने कंसीडर किया था कि आयनिक कंपाउंड्स में बेसिकली होता क्या है एक्सचेंज ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स यानी मेटल जो होता है वो इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है और जो नॉन मेटल होता है वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लेता है गेन कर लेता है जिसकी वजह से मेटल के ऊपर पॉजिटिव आयन आ जाता है या केटाइन बोल लीजिए मेटल को और नॉन मेटल के ऊपर नेगेटिव आयन आ जाता है मींस वो एनायन बन जाता है। तो जो दोनों होते हैं केटाइन और एनायन वो दोनों आपस में ड्यू टू द एक्सचेंज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं अट्रैक्ट होते हैं अपोजिट चार्ज की वजह से और उस अट्रैक्शन को कहा जाता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ठीक है तो वो जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स उनके मिड में होता है वही उनको क्या करके रखता है कंबाइन करके रखता है या बांधे रखता है और इसीलिए उनके बीच का जो वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है जिसकी वजह से उनके बीच अट्रैक्शन फोर्स है जिसकी वजह से वो एज अ कंपाउंड की फॉर्म में पाए जा रहे हैं इसलिए उन्हें क्या नहीं कहा जा सकता मॉलिक्यूल नहीं कहा जा सकता इसलिए उन्हें क्या कहा जाता है फॉर्मूला यूनिट। क्या बोलते हैं उसको फॉर्मूला यूनिट जैसे कि कॉमन सॉल्ट की फॉर्मूला यूनिट क्या है NaCl है कैल्शियम क्लोराइड की फॉर्मूला यूनिट क्या है CaCl2 है मैग्नीशियम ऑक्साइड की फॉर्मूला यूनिट क्या है MgO है। ठीक है अगर उनका मास निकाला जाए
तो क्या कहा जाएगा फिर उसे? फॉर्मूला यूनिट का मास, जैसे मॉलिक्यूल का मास होता है वो मॉलिक्यूलर मास, ऐसे फॉर्मूला यूनिट का मास है तो फॉर्मूला यूनिट मास, ठीक है। तो आयनिक कंपाउंड्स के लिए मेथड वही होगा, जितने एलिमेंट्स आपस में कंबाइंड हो रहे हैं वहाँ पर एलिमेंट को यूज़ ना करके आयन यूज़ कर लेंगे कि पॉजिटिव आयन कितनी बार रिपीट हुआ। नाम लिख लीजिएगा कि सोडियम, नंबर ऑफ द सोडियम मल्टीप्लाइड बाय द एटॉमिक मास ऑफ द सोडियम, ऐसे ही नंबर ऑफ द क्लोरीन मल्टीप्लाइड बाय मास ऑफ द क्लोरीन। तो उसमें मेथड में कोई चेंजेस नहीं है, बस नेम में चेंज है। जैसे कि मॉलिक्यूलर मास कंसीडर किया जा रहा है मॉलिक्यूलर कंपाउंड्स के लिए, तो यहाँ पर मास जब निकालेंगे आयनिक कंपाउंड्स का तो क्या यूज़ करेंगे? फॉर्मूला यूनिट मास। जैसे कि एग्जांपल ले लेते हैं, क्या होगा? NaCl कैसे निकालेंगे? फॉर्मूला यूनिट मास, ठीक है, एब्रिवेशन यूज कर रहे हैं। क्या लिखोगे? नंबर ऑफ एन ए मल्टीप्लाइड बाय एटॉमिक मास ऑफ एन ए प्लस नंबर ऑफ सी एल मल्टीप्लाइड बाय एटॉमिक मास ऑफ सी एल। तो फॉर्मूला यूनिट मास निकल जाएगा 1 × 23 प्लस 1 × 35.5। हाँ, एटॉमिक मास आपको याद करना पड़ेगा एलिमेंट्स का, उसके लिए टेबल दी हुई है आपकी बुक में, एनसीईआरटी बुक के अंदर, उसके अंदर एटॉमिक मास भी गिवन है। अगर नहीं है, क्योंकि आई थिंक 18 तक है ऑर्गन तक, और बाकी के मैं भेज दूँगी एक टेबल आपको, उसमें सबके एटॉमिक मास होंगे, तो आप देख लीजिएगा। धीरे धीरे मेमोराइज हो जाएंगे ऑटोमेटिकली जैसे जैसे आप न्यूमेरिकल्स निकालते जाएंगे, तो ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं है कि आप उसको बिल्कुल लर्न ही कर लीजिए। जैसे जैसे यूज़ करेंगे, बस ध्यान रखिएगा कि जो बहुत ज़्यादा बार रिपीट हो रहे हैं उनके तो आपको लर्न होने ही चाहिए, ठीक है। FuM क्या निकलेगा? 23 + 35.5, ठीक है। तो FuM ऑफ NaCl विल बी कितना हो जाएगा? 58.5, 5 × 3 = 58.5, ठीक है। इस तरीके से आप CaCl2 का भी निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे? नंबर ऑफ CA एटॉमिक मास ऑफ CA, नंबर ऑफ CL एटॉमिक मास ऑफ CL। तो नंबर ऑफ CA तो 1 ही होगा क्योंकि CaCl2 ले रहे हो, ठीक है, और एटॉमिक मास CA का कितना होता है? 40, ठीक है। तो नंबर ऑफ CL जब लोगे तो CaCl2 में CL नंबर कितना हो गया? 2, तो यहाँ पर आ जाएगा 2, यहाँ पे CL का 35.5, ठीक है। तो 35.5 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 71 और उधर 40, ठीक है। तो 40 + 71 CaCl2 का ऑल ओवर कंसेंट्रेशन कर लीजिएगा, कितना आ जाएगा? 111 आएगा। निकाल के देखते हैं, CaCl2 का क्या लिखोगे? नंबर ऑफ CA मल्टीप्लाइड बाय एटॉमिक मास ऑफ CA प्लस नंबर ऑफ CL मल्टीप्लाइड बाय एटॉमिक मास ऑफ CL। तो क्या आएगा? 1 × 40 + 2 × 35.5, 40 + 71
will be 1 1 1 mu. ठीक है, तो आप फॉर्मूला यूनिट निकालिए, मॉलिक्यूलर मास निकालिए. नेक्स्ट वीडियो लेक्चर तक इतना ही. थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे.